दोस्तों न्यू ईयर आ रहा है और यार फोटो एडिटिंग ना हो तो यार कुछ मज़ा नहीं आता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल से फोटोग्राफी कैसे की जाती है, मतलब आप न्यू ईयर के लिए एक बेहतरीन फ़ोटो अपने मोबाइल से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊँगा जिससे कि आपको बहुत ही जल्दी और कम समय में समझ में आ जाएगा कि भाई फ़ोटो एडिटिंग वो भी न्यू ईयर के लिए हम अपने मोबाइल से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना क्योंकि वो भी तो जान सके ना कि इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग कैसे की जाती है। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, सो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना होगा एंड यहाँ पर सर्च करना होगा न्यू ईयर फोटो एडिटर 2022। सो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो भाई यहाँ से मैं इसे ओपन कर देता हूँ। दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं सेंटर में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, फ्रेम का, प्रोफाइल का और ग्रीटिंग का। दोस्तों आपको यदि इस टाइप की फ़ोटो क्रिएट करना है तो आपको फ्रेम वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा और यहाँ से अपनी एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी होगी, या फिर यदि आपकी गैलरी में अपनी फ़ोटो है आप चाहो तो उस फोटो का उपयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं गैलरी से एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मिलते हैं। दोस्तों यहाँ से मैंने फ़ोटो को जो है सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर क्रॉप करने के लिए कहा जाएगा, तो चलिए यहाँ से मैं इस फ़ोटो को क्रॉप करके ऊपर डन वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों इतना काम करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये फ्रेम आ चुका है और यार हमें दो अंगूठे की सहायता से या फिर दो उंगली की सहायता से कुछ इस टाइप से जो है यहां पर फ़ोटो को एडजस्ट करना होगा। और दोस्तों आपको सबसे नीचे की साइड में काफ़ी सारे फ्रेम देखने को मिल जाएंगे, आप चाहो तो जो भी मतलब फ्रेम आपको पसंद आए उस पर आप अपनी फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं। देख सकते हैं कुछ इस टाइप की हमारी जो है फ़ोटो क्रिएट हो जाती है सिर्फ एक क्लिक में। अब दोस्तों यदि आप चाहो तो इस पर इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं, कैसे डालना है जान लीजिए। दोस्तों आपको राइट हैंड साइड में थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा इफ़ेक्ट का, चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे, तो जो भी इफ़ेक्ट आपको पसंद आए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना बिल्कुल ईजी है, आप किसी भी एक इफ़ेक्ट पर क्लिक कर दीजिए जो भी आपको पसंद आए और वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। चलिए अभी मैं ऐसे रहने देता हूँ। और दोस्तों यदि आप चाहते हो फ़ोटो को फ्लिप करना तो यहाँ से आप कर सकते हो, देख सकते हैं कुछ हमारी इस टाइप की फ़ोटो बन जाएगी। और दोस्तों इतना काम करने के बाद हमारा काम पूरा जो है ख़त्म हो चुका है। अब दोस्तों यदि आप चाहते हैं इसे गैलरी में सेव करना है तो यार ऊपर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में सेव का आपको बटन मिल जाएगा, आप चाहो तो अपनी गैलरी में भी यहां से इस फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। चलिए यहां पर मैं क्लिक करके आपको बता देता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों क्लिक जैसे ही मैंने वहाँ पर किया सेव पर तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर लिखा है सेव्ड टू गैलरी, मतलब जो फ़ोटो हमने बनाई थी वो डायरेक्ट हमारी गैलरी में सेव हो गई है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि भाई वो फ़ोटो कैसे बनी है। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की हमारी जो है फ़ोटो क्रिएट होकर बन चुकी है और यार काफ़ी अच्छी भी लग रही है। और दोस्तों बिल्कुल भी यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं लगी अपन को, बहुत ही मतलब एक क्लिक में ये फ़ोटो क्रिएट हो चुकी है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे न्यू ईयर के लिए फ़ोटो कैसे क्रिएट करना है वो भी सिर्फ एक क्लिक में बिना मेहनत के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना क्योंकि वो भी इस टाइप की फ़ोटो एडिटिंग सीख सके। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय।